गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर में बड़े आराम से सो रहे होते हैं, तभी उनके फोन में एक कॉल आता है। कॉल आने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी की नींद टूट जाती है। जल्दी से गुप्ता जी कॉल को उठाते हैं, क्योंकि कॉल बाबा का था। हाँ बाबा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ गुप्ता जी, कॉल बाबा का था क्या? हाँ मिश्रा जी, वे हमें आश्रम बुला रहे हैं। इतनी रात में अचानक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पता नहीं मिश्रा जी, हमें वहीं जाकर पता चलेगा। बाबा के बुलाने पर दोनों आश्रम जाने लगते हैं, जो जंगल वाले रास्ते के दूसरी तरफ होता है। दोनों जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी उन दोनों को रास्ते में दो टॉयलेट पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, ये टॉयलेट को यहाँ रास्ते में किसने रख दिया है? पता नहीं मिश्रा जी, किसी ने रख दिया होगा। पर तुम ये सब क्या पूछ रहे हो, अभी हमें जल्दी से बाबा के आश्रम जाना है। कुछ ही पल में गुप्ता जी और मिश्रा जी आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बाबा चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। क्या हुआ बाबा, आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम आ गए। हाँ मैं चिंतित हूँ, क्योंकि शहर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत बाबा, आपके रहते शहर को कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। आज रात मैं यहाँ से बहुत दूर तप करने के लिए जा रहा हूँ, पर मुझे अनुभव हुआ है कि शहर में किसी का हमला होगा, पर कौन हमला करेगा वो मुझे पता नहीं चला है। इसलिए जब तक मैं ना आऊँ, तब तक तुम्हें शहर की रक्षा करना है। बाबा यदि ऐसा है तो हम दोनों दुश्मनों से कैसे लड़ पाएंगे? गुप्ता जी के बोलने पर बाबा दोनों को एक शस्त्र देते हैं, जो बहुत ही ताकतवर होता है। गुप्ता जी, मैं दो दिन के बाद आऊँगा, तब तक तुम्हें शहर की रक्षा करना है। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपनी बात बताकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। गुप्ता जी, बाबा तो तप करने चले गए, पर शहर में जो मुसीबत आने वाली है उसे सोचकर मुझे तो अभी से डर लग रहा है। मिश्रा जी, तुम इतने डरते क्यों हो? हम दोनों मिलकर कितने सारे शैतानों को भगाए हैं। हाँ गुप्ता जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर वर कुछ नहीं, चलो घर में आराम करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, तभी जंगल वाले रास्ते में मिश्रा जी को वह दोनों टॉयलेट दिखाई नहीं पड़ता है। गुप्ता जी, हमने तो यहाँ दो टॉयलेट्स को देखा था ना, पर अब यहाँ नहीं है। हाँ मिश्रा जी, हमने तो यहाँ देखा था, पर मुझे लगता है कोई उसे उठाकर ले गया होगा। हाँ गुप्ता जी, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि टॉयलेट अपने आप थोड़ी कहीं गया होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों को आगे कुछ हलचल होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर मिश्रा जी की हालत खराब होने लगती है। गुप्ता जी, आगे कुछ हलचल हो रही है, मुझे लगता है वहाँ कोई शैतान है। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, हमारे पास बाबा का शस्त्र है, मैं जाकर देखता हूँ। गुप्ता जी को भी डर लग रहा था, पर हिम्मत रखते हुए गुप्ता जी आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। गुप्ता जी जैसे ही नजदीक जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है, पर मैंने तो यहाँ हलचल होते हुए देखा था। गुप्ता जी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि रास्ता में पड़ा टॉयलेट का गायब होना और हलचल होने पर भी कोई ना होना, उनके दिमाग में यह सब खटकने लगता है। कहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच तो नहीं रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुप्ता जी आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मिश्रा जी, यहाँ कोई नहीं है, मैं आता हूँ। गुप्ता जी मिश्रा जी के पास जाने लगते हैं। गुप्ता जी, इतनी देर से आप वहाँ क्या सोचने लगे थे? अरे कुछ नहीं मिश्रा जी, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। चलो जल्दी से घर, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं, पर उन्हें क्या पता उन्होंने जो हलचल होता हुआ देखा था वह कोई और नहीं, स्किबिडी टॉयलेट की थी। दोस्तों, आपके न्यूज चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में आज सुबह 10 बजे आइसक्रीम रॉड का पार्ट 2 आने वाला है, और साथ में कुछ लकी शाउट आउट भी आएगा, तो आप सभी 10 बजे रेडी रहना और पूरा वीडियो जरूर देखना। कुछ देर बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर पहुंच जाते हैं और दोनों सो जाते हैं।
पर ये क्या, स्किविडी टॉयलेट शहर में आ गया है। सुबह होने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी को कई लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद उन दोनों की नींद टूट जाती है। गुप्ता जी, इतनी तेज कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, चलिए नीचे जाकर देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कई लोग परेशान हैं और आपस में झगड़ रहे हैं। अरे आप लोगों को क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्या बताएं, मुझे बहुत चोट की टट्टी आई है, पर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। छी, ये भी मैं बताऊँ आपको, यदि आपको टट्टी आई है तो टॉयलेट में जाओ ना। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है, हमारे सभी घरों के टॉयलेट गायब है। क्या, ये कैसे हो सकता है, सभी के घरों से टॉयलेट गायब कैसे हो सकता है? गुप्ता जी, यही सच है, हमें लगता है किसी ने हमारे टॉयलेट को चोरी की है। गुप्ता जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, अगर किसी को चोरी करनी ही थी तो पैसा चोरी करता ना, टॉयलेट क्यों? मिश्रा जी, ये किसी चोर का काम तो नहीं हो सकता है, जरूर कुछ और ही है जो हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर में घूमने लगते हैं तो उन्हें कई जगह यही सुनने को मिलता है कि घर से टॉयलेट गायब हो गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि कुछ लोग एक इंसान पर हंस रहे हैं। मिश्रा जी, उधर चलो, उन लोगों के पास। गुप्ता जी और मिश्रा जी उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे हंसने की बात पूछते हैं। अरे भैया, हम सभी के घरों से टॉयलेट गायब हो गया है, तो यह बोलता है कि मैंने टॉयलेट को चलते हुए देखा है, अब आप ही बताइए ये कैसे संभव है? अरे पागल हो क्या, टॉयलेट कभी चल सकता है? हंस लो आप भी, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से टॉयलेट को चलते हुए देखा, वो भी जंगल की तरफ जा रहा था। चलता हुआ टॉयलेट की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, पर गुप्ता जी बहुत सीरियस होते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। मिश्रा जी चलो यहाँ से, मुझे शक है वो आदमी जो बोला बिल्कुल सच बोला है। गुप्ता जी, आप कैसे उस पागल का भरोसा कर सकते हैं, मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है कि टॉयलेट चल सकता है। मिश्रा जी हंसो मत, बाबा की बात याद है कि नहीं तुम्हें? मुझे शक है कोई शैतान टॉयलेट की सेना बना रहा है, और यदि मेरा शक सही है तो इतना सारा टॉयलेट आज रात ही हमला करने वाला है। गुप्ता जी ये क्या बोल रहे हैं आप, टॉयलेट की सेना, अब हमें टॉयलेट से मुकाबला करना होगा। हाँ मिश्रा जी, अब चलो मेरे साथ जंगल में। जंगल में, पर क्यों? वो सब मैं वहीं तुम्हें बताऊंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों जंगल वाले रास्ते में आ जाते हैं जहां उन्हें एक इंसान की लाश दिखती है। मिश्रा जी वहां देखो, किसी की लाश पड़ी हुई है। ओ शिट, इसे किसने मारा? मिश्रा जी हो ना हो या काम टॉयलेट का ही है। गुप्ता जी आप कैसे कर सकते हैं, यह टॉयलेट का काम है। गुप्ता जी मिश्रा जी का जवाब देने वाले होते ही हैं, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज दोनों को सुनाई पड़ती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ। मिश्रा जी कोई मुसीबत में है, चलो जल्दी से उसे बचाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी आवाज की तरफ भागते हैं जो जंगल के अंदर से आ रही थी। दोनों तेजी से जंगल के अंदर जा रहे होते हैं, पर अचानक दोनों रुक जाते हैं। ओ शिट, ये तो हाँ गुप्ता जी, ये तो वही है टॉयलेट। गुप्ता जी आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, टॉयलेट जिंदा हो गया है और इंसानों को मार रहा है। मिश्रा जी, बाबा ने जो मुसीबत के बारे में बताए थे वो यही है, हमें टॉयलेट से ही मुकाबला करना है। पर गुप्ता जी ये लोग क्या स्किविडी डिंग डोंग डुम डुम जैसा बोले जा रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, पर शायद इन लोगों ने अपना नाम स्किविडी तो नहीं रख लिया है। हाँ गुप्ता जी आपने बिल्कुल सही कहा, तभी तो वो लोग ऐसा बोले जा रहे हैं, इनका नाम स्किविडी टॉयलेट है और लगता है ये लोग हमारी दुनिया पर राज करना चाहते हैं।
मिश्रा जी, पर हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या गुप्ता जी और मिश्रा जी स्किविडी टॉयलेट को रोक पाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।